कन्नौज मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बहुल्य गांव बड़ी कढ़ाई के ग्रामीण आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी मूलभूत समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। जी हां, ताजा मामला गांव के नवल सिंह को सांप काटने के बाद वाहन के आवागमन ना होने की वजह से ग्रामीणों ने झोली बनाकर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। इसी तरह सड़क ना होने के कारण गांव में बीमार लोगों को 10 किलोमीटर झोली में डालकर ले जाना पड़ता है, जिससे कि पीड़ितों को समय पर इलाज नहीं मिलने से काल के गाल में समा जाते हैं। कुछ दिन पूर्व गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, उसे भी इसी प्रकार झोली में डालकर अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन खराब सड़क के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। अंत में सड़क पर ही बच्चे का जन्म हो गया। वहीं कक्षा 8वीं के बाद गांव के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। खराब रास्ता एवं नदी नाले के कारण पूरी बारिश बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों को किसी तरह स्कूल भी पहुंचा दिया जाता है तो खराब सड़क और नदी नालों पर पुल ना होने की वजह से हमेशा भय बना रहता है। खराब सड़क की वजह से अन्य गांव के लोग हमारे गांव में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं, जिसके चलते बहुत से लड़के लड़कियां कुंवारे हैं तथा खराब सड़क के कारण रिश्तेदार भी गांव में आने जाने से संकोच करते हैं। इस दौरान ग्राम बड़ी करार के सैकड़ों ग्रामीण कन्नौज SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और समस्या का हल करने की भी मांग की। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम धूल सिंह यादव है, हम बड़ी कराड़ के निवासी है। बड़ी कराड़? हाँ, बड़ी कराड़ के निवासी, ग्राम पंचायत बावड़ी खड़ लगता है, तहसील कन्नौज, जिला देवास, मध्य प्रदेश के निवासी है हम लोग। हमारा बच्चा बहुत बीमार है, लेकिन अब साधन कुछ भी नहीं, इसलिए हम इसको झोले में टांग के ले जा रहे हैं, दूसरा कोई व्यवस्था ही नहीं इस कारण से। अच्छा, पिछले चुनाव में विधायक जी ने क्या क्या बोला था? पिछले चुनाव विधायक जी ने बोला अगर मैं जीतता हूँ तो मैं आपका ये रोड पूरा नामकरण करवा दूंगा, लेकिन अभी तक उसका तो पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करवाया अभी। क्या लिखित में दिया था तुमको? हाँ, लिखित में आश्वासन दिया था उसने। तो 3 किलोमीटर ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही पैदल जाना पड़ेगा झोली में टांग के। शालाएं कितनी है यहाँ पे? शालाएं 3 है। फिर बच्चे? बच्चे ऐसे जाते हैं यहाँ से बावड़ी खड़ा, पैदल ही जाते हैं। अरे कीचड़ में कूद के दावत से बड़ी करार मुख्य मार्ग के समाधान हेतु महोदय ग्राम हम ग्राम पंचायत बावड़ी खेड़ा तहसील कन्नौज जिला देवास की ग्राम बड़ी करार मजरा टोल के टोला के मूल निवासी है। यहाँ के ग्रामीण पिछले 25 वर्ष से सड़क की मांग करते आ रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम बड़ी करार की जनसंख्या लगभग 1500 है तथा यह यहाँ पर 800 वोटर है, फिर भी मजरा टोला कहकर इस गांव का विकास ना करना कहाँ तक सही है। चुनाव में पटेल जो राजनेता आता है सड़क निर्माण का आश्वासन देकर जाता है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से चुनाव जीतने के पश्चात कोई भी जनप्रतिनिधियों राजनेता नहीं आया। 2018 के विधानसभा में चुनाव में पूरे गांव के लोगों द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्माण किया गया था, पर JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।